इंडिया है, सबको देखने से तो सब शक्ल से इंडियन लगते हैं, लेकिन जब बात करते हैं तो पता चलता है कि हाँ हम होता कहीं है, और हैं, और इनसे फिर अभी गई है। अरे वाह, ये छोटी बच्ची अभी इंडिया गए, ये सब इंडिया गए हैं। मतलब आप लोग हिंदू थे, रिलीजन शुरू से ही हिंदू थे या फिर अभी जस्ट शुरू से कोई ये लोग प्रॉब्लम हिंदू होना थे? नहीं चाहिए यहाँ पर जल्दी सेटल करने में। सो इट्स अ वेरी गुड आइलैंड, वेरी प्लेजेंट, वेदर अच्छी है, वाटर तो बहुत ही सुंदर है, और गंगा तालाब हम लोग पहले एक बार आ चुके हैं पर इस... हेलो गाइस, मेरा नाम है अमित यादव और आप देख रहे हैं GSK ब्लॉग। हम दोस्तों हमारे ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाने वाले हैं हम। आपको ओवरव्यू कराने वाले हैं मॉरिशस का, और के बेस पे अगर आप मॉरिशस में विजिट करते हैं एज ए टूरिस्ट तो आपको क्या क्या चीज़ें मतलब ध्यान में गाइडलाइन रखनी चाहिए, और अगर यहाँ आते हैं तो आपके लिए कौन कौन से प्लेस अच्छे हो सकते हैं घूमने के लिए, आप अच्छा एक डिज़ाइन कर पाएँ, इसलिए ये मैं ब्लॉग चैनल चालू किया हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि सब लोगों को पता चले। और दोस्तों आज मैं शूटिंग करने वाला हूँ गंगा तालाब की, तो आपको गंगा तालाब का पूरा ओवरव्यू देने वाला हूँ। गंगा तालाब में किस तरीके के मंदिर हैं, कैसे कैसे बनाए गए हैं, सारा कुछ आपको दिखाने वाला हूँ। तो अगर आप एज ए टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं या एज ए कपल आते हैं हनीमून पे, तो आपको यहाँ पे एक बार गंगा तालाब में आके दर्शन जरूर करने चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ गंगा तालाब में केदारनाथ वाली फीलिंग आने वाली है। यहाँ का नेचर, यहाँ के लोग, यहाँ का पर्यावरण, आपको मतलब यहाँ की हवाएं, इतना ठंडा मौसम, बहुत ही मज़ा आने वाला है। एक हिसाब से कहते कह सकते हैं मिनी इंडिया में मिनी केदार। सो गाइस, हम लोग निकल रहे हैं गंगा तालाब के लिए। अभी हैं हम अपने रेजिमेंट में, जे हमारा रेजिमेंट है, देख लो यहाँ से डॉर्मेट्री जहाँ हम लोग रहते हैं। तो अभी निकलने वाले हैं जहाँ से साइन वाइन का प्रोसेस हो रहा है। सो गाइस, हम अभी अपनी रेजिमेंट में हैं, निकल रहे हैं गंगा तालाब के लिए यहाँ से। अभी चलते हैं मेट्रो स्टेशन पे, ठीक है? तो आने वाले फ्यूचर में हम लोग बनाने वाले हैं वीडियो यहाँ पे। आप अपना हॉलीडेज कैसे प्लान करेंगे और कहाँ कौन 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 से प्लेस अच्छे हैं यहाँ पे, वो सब आपको दिखाने वाले हैं। और उसके बाद में कैसे ट्रैवल करना है मेट्रो से, इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। थोड़ा जॉब के टॉपिक पे भी कन्वर्सेशन करेंगे, कौन से टॉपिक की जॉब यहाँ पे, कौन सी प्रोफाइल्स हैं, इन सब टॉपिक्स पे बात करेंगे। और कहाँ कहाँ पे जॉब की ज़्यादा एलिजिबिलिटी है, कहाँ कहाँ पे ज़्यादा हाईएस्ट डिमांड है, उन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा रिसर्च करके आपको बता। लोग पहुंच चुके हैं मेट्रो स्टेशन पे, जहाँ का मेट्रो स्टेशन दिखाते हैं आपको कुछ इस प्रकार से। इंडिया के तरीके बिल्कुल नहीं है, अभी यहाँ पे बस स्टार्टिंग सेटअप किया गया है। बहुत छोटा सा मेट्रो स्टेशन है, बट यहाँ पे सारी चीज़ें अभी हम दिखाते हैं आपको। मैप यहाँ का गंगा तालाब जाना है, कहाँ तक मेट्रो स्टेशन कहाँ से कहाँ तक गया है, इसकी लाइन का। यहाँ पे मैप यहाँ का गाइस, हम लोग बैठे थे यहाँ से कोरोमंडल से और यहाँ पे आए हैं क्विपिप सेंट्रल पे। जे यहाँ पोर्ट लुइस से जो है आपको मेट्रो मिलेगी अगर आप आएंगे एयरपोर्ट से, तो पोर्ट लुइस से आपको आना पड़ेगा यहाँ पे क्विपिप सेंट्रल। इसके बाद फिर आगे की जर्नी जो है आपको बस स्टॉप पे जाना पड़ेगा, बस लेना पड़ेगा आपको। तो चलो हम लोग बस लेने के लिए निकलते हैं अभी। तो फिर हाल
तो आज हम लोग फाइनली गंगा तालाब में पहुंच चुके हैं और आप लोग देख रहे हैं सबसे पहली जो प्रतिमा मिली है हमें वो है माँ दुर्गा की। और आप लोग देख सकते हैं माँ दुर्गा की प्रतिमा कितनी ही सुंदर बनाई गई है। जहाँ पे लोग आते हैं, मतलब टूरिस्ट आते हैं, यहाँ के लोकल लोग भी आते हैं और फॉरेनर भी आते हैं, तो अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आपको एक बार ज़रूर ये माँ दुर्गा की प्रतिमा देखनी चाहिए। जहाँ पे बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया गया है, आप लोगों को बहुत कुछ दिखाने के लिए यहाँ पे है। अभी तो ये मैं पहला वीडियो शूट कर रहा हूँ यहाँ पे गंगा तालाब में, बाहर से मैं आपको रास्ते का बहुत कुछ दिखा चुका हूँ, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए, मैं दिखाता हूँ। पीछे वहाँ पे जो है भोलेनाथ की भी प्रतिमा है और यहाँ पे शिव शंकर महादेव पीछे मतलब है, जहाँ पे माँ दुर्गा की प्रतिमा है आप लोग देख सकते हैं, तो वीडियो में बने रहिए, आपको दिखाते हैं। सो गाइस, हमें यहाँ पे एक कपल मिल चुके हैं, ये हमारे बंगाल से हैं और इनके साथ मिलके हमें जो है काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। ये इंडिया से हैं प्रॉपर और इनसे कुछ पूछते हैं यहाँ आने के बाद इन्हें कैसा, मतलब यहाँ का एनवायरनमेंट कैसा लगा इनको। और जहाँ पे अभी तो मतलब पहले कपल मिले हैं इंडिया से यहाँ पे हम लोगों को 8 साल में, वो भी गंगा तालाब में मिले हैं, तो इनसे यहाँ का कुछ अनुभव लेते हैं। तो प्लीज़ आप कुछ शेयर करें अपना यहाँ का। हाँ, हम अभी मूव किए हैं यहाँ पे, हम पहले साउथ अफ्रीका में रहते थे, तो यहाँ पे तो लगता है कि एकदम मिनी इंडिया है। सबको देखने से तो सब शक्ल से इंडियन लगते हैं, लेकिन जब बात करते हैं तो पता चलता है कि हम कहीं और हैं और इनसे फिर फ्रेंच में बोलने लगते हैं। पर बहुत अच्छा लग रहा है, अभी हमारा तो 2 वीक हुआ है जस्ट, तो हम नए हैं यहाँ पे, बट ये लग रहा है तो इंडिया में ही है। और मैडम नहीं, यहाँ पे एटमॉस्फेयर तो बहुत ही अच्छी है और एट होम फील करते हैं क्योंकि इंडियन इंडिया में है ऐसे लगता है, और सब कुछ खाना पीना सब कुछ इंडियन फूड भी मिलता है। हाँ, तो इसीलिए कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए यहाँ पे जल्दी सेटल करने में। सो इट्स अ वेरी गुड आइलैंड, वेरी प्लेजेंट, वेदर अच्छी है, वाटर तो बहुत ही सुंदर है। और गंगा तालाब हम लोग पहले एक बार आ चुके हैं पर इस बार फिर से आ रहे हैं, अभी देखते हैं क्या चेंजेस हुए, पर बहुत सुंदर जगह है। थैंक यू। दोस्तों, गंगा तालाब में एंटर होने के बाद जो दूसरी प्रतिमा हमको दिखाई देती है वो है शंकर महादेव भोलेनाथ। आपको बता दें, यहाँ हिंदुत्व का सनातन धर्म का बहुत अच्छे से प्रचार प्रसार किया गया है। यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा हिंदुत्व को अपनाते हैं, हिंदी बोलने वाले लोग बहुत ज़्यादा 75% के अबव हैं। और मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे टूरिस्ट बहुत ज़्यादा विजिट करते हैं, आपको अंग्रेज लोग देखने को मिल जाएंगे, आपको पीछे देखने को मिल जाएगा साड़ी के नीचे ये हिंदू लोग हैं, हर और से जो साड़ी वाड़ी भी पहनते हैं और इसी लिबास में रहते हैं ये लोग। बहुत ज़्यादा धार्मिक स्थल है, आप यहाँ पर एक बार आपको जरूर विजिट करना चाहिए। और यहाँ छोटी बनाई गई है शिव शंकर महादेव की, बहुत अच्छी लगती है देखने में। मैं आपको और थोड़ा पास दिखाता हूँ। सो गाइस, हमें यहाँ पे और एक सनातन धर्म के जो है हिंदुत्व को बहुत अच्छे से प्रचार प्रसार किया जा रहा है यहाँ मॉरिशस में। आप लोग अच्छे से देख सकते हैं यहाँ पे इनके तिलक को, इनके वस्त्र को देख के आपको कहीं से भी पता नहीं चलेगा कि आप इंडिया में नहीं हैं। आपको यहाँ पे एक बार ज़रूर विजिट करना चाहिए, ये मेरी पर्सनली एडवाइस है। सो मैं इनसे यहाँ का कुछ अनुभव लेता हूँ, पूछता हूँ यहाँ पे इनका क्या अनुभव रहा है और इनका हिंदुत्व का ये अभी कुछ गाइडलाइन हमें दिए हैं, प्रचार कर रहे हैं यहाँ पे, इनकी कुछ कथा वथा चल रही है, वहाँ भी हम जाने की कोशिश करेंगे आपको वहाँ। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, प्रभु जी बोलेंगे। हाँ जी, तो प्रभु जी आप कुछ, हाँ जी, तो आप मॉरिशस से हैं, तो प्रभु जी आप कथावाचक हैं, कथा वाचते हैं हिंदुत्व का। अच्छा जी, चलो बढ़िया है, आपसे मिलके अच्छा लगा। और आप लोगों का हिंदुत्व देख के अब क्या बताएं, हम इंडिया से यहाँ आए हैं, हमको बहुत ही अच्छा लग रहा है, सच बता रहा हूँ। ऐसा नहीं लग रहा है कि हम इंडिया से बाहर कहीं हैं, ऐसा लग रहा है कि हम लोग इंडिया में ही हैं, जस्ट मिनी इंडिया। सो आप लोग कभी इंडिया गए हैं? हाँ, जरूर गए हैं। अब भी गई हैं? अरे वाह, ये छोटी बच्ची है भी इंडिया गए, ये सब इंडिया गए हैं। मतलब आप लोग हिंदू थे, रिलीजन शुरू से ही हिंदू थे या फिर अभी जस्ट शुरू से ये लोग हिंदू थे यहाँ पे? तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, अभी इनके साथ छोटा सा वीडियो बनाएंगे क्योंकि ये लोग अभी यहाँ पे आए हैं, थोड़ा इनका कोई कथा वथा है, ये कुछ बुक्स वगैरह दे रही हैं, छोटी छोटी बच्चियाँ हैं। तो इस्कॉन फिनिक्स में इनका जो है कथा चल रहा है, कथा वाचन,
हम लोग कोशिश करेंगे वहाँ का ओवरव्यू कराएं, वहाँ फिर आपसे मिलते हैं। थैंक यू। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरी बोल। पहुँच चुके हैं, बिल्कुल इंडिया के तरीके ही डिज़ाइन किया गया है काशी विश्वनाथ मंदिर। ये इस मंदिर का नाम है काशी विश्वनाथ मंदिर, आप लोग देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन किया गया है यहाँ का मंदिर। ये है शिव परिवार मंदिर, आप लोग देख सकते हैं शिव परिवार मंदिर है ये। परिवार मतलब फैमिली। इसमें कार्तिकेय भगवान है, श्री गणेश भगवान है और महादेव जी भी हैं। तो हम लोग सावन के महीने में, ये आज रविवार को हम लोगों का रेस्ट था, तो आज आ गए हैं यहाँ पे थोड़ा पूजा दर्शन करने। आज हम लोग अभी एक जगह पे और इंटर होने वाले हैं। ये कोई मंदिर ही है मे बी, जहाँ पे शायद कथा वथा होती है। अभी चल के आपको ओवरव्यू पूरा कराते हैं। यहाँ पे शिव शंकर महादेव का नंदी महाराज बैठे हुए हैं, इनकी भी पूजा की जा रही है। अंदर में भी कोई मंदिर होगा मे बी। चलिए चल के देखते हैं कैसा। घंटी वंटी भी बजा रहे हैं तो शायद यहाँ पे भी कोई शिवलिंग या फिर ऐसे ही कुछ होगा, होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो हाँ जी, तो ऐसा ही कुछ सीन है यहाँ पे भी। यहाँ पे है शिव शंकर महादेव भोलेनाथ, यहाँ पे भी पूजा का ही कार्यक्रम चल रहा है। जय महादेव। तो देख सकते हैं महाराज जी यहाँ पे अंदर पूजा करवा रहे हैं। आज हम लोग पूजा पढ़ा रहे हैं, दर्शन करने आप लोगों को दिखाएंगे यहाँ का अच्छा अच्छा व्यू। जो मेन मंदिर है, जहाँ पे मेन शिवलिंग है, जहाँ पूजा होती है, वहाँ पे नहीं दिखा पाए क्योंकि वहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा थी। और आप लोग देख सकते हैं इधर उधर आजू बाजू में भीड़ बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत ज़्यादा कसम कस भरे पड़े थे, तो इसलिए थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा है। Thank you.
सो गाइस हम लोग कैसा रहा आप लोग देखिए वीडियो को पूरा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और अगर हमारी वीडियो में कोई कमी लगती है आपको तो कमेंट में ज़रूर बताएं, हम उसको इम्प्रूव करेंगे। गंगा तालाब नहीं कवर कर पाए, थोड़ा सा बहुत त्रुटि रह गई है, तो अगर कोई गलती दिखती है तो उसको प्लीज़ क्षमा करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।